सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। क्या मोदी लहर पर लग गया है ब्रेक? क्या दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे मोदी, या फिर चलेगा मोदी का जादू, या कांग्रेस करेगी कमाल? इन सब सवालों को लेकर आपका अपना चैनल न्यूज 360 वर्ल्ड ने यूपी में एक सर्वे किया है। हमने इस सर्वे में तकरीबन 18,000 लोगों से उनकी राय जानी। आपको बताते चले कि हमारा ये सर्वे शहरी इलाकों से दूर कई गांवों में किए गए हैं, जहां हमारी मेन मीडिया पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे पहले हमने लोगों से पूछा कि इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। तो 53% लोगों का मानना था कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। वहीं 40% किसानी को लेकर परेशान दिखाई दिए। वहीं 7% अन्य परेशानियों को अपना मुद्दा बताते रहे, जैसे कि शिक्षा मित्रों की परेशानी, घुसखोरी इत्यादि। फिर जब हमने सवाल पूछा कि क्या आप पीएम मोदी के कार्यकाल से खुश हैं, तो 43% यूपी की जनता ने न में जवाब दिया। वहीं 37% पीएम मोदी के काम से खुश दिखाई दिए। वहीं 20% अपनी राय अभी तक बना नहीं पाए थे। तीसरा सवाल जब हमने लोगों से पूछा कि 2019 में प्रधानमंत्री के लिए आपकी पसंद कौन है, तो 43% यूपी की जनता ने पीएम मोदी को अपना पसंद बताया। वहीं 22% राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। 8% अखिलेश यादव को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं 19% मायावती के साथ नजर आए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यूपी की 8% जनता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जब हमने चौथा सवाल ये पूछा कि इस बार आप किसे वोट देंगे, तो 43.3% बीजेपी के साथ नजर आए। वहीं सपा बसपा आरएलडी महागठबंधन के साथ 44.8% जनता दिखाई दी। वहीं कांग्रेस को 13% लोगों ने अपनी पसंद बताई और बाकी अन्य के साथ नजर आए। आइए अब हम आपको अपने चैनल द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर आपको ये बताते हैं कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सीटों का गणित बताने से पहले आपको बताते चलें कि इस बार यूपी में कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले बात करें बीजेपी गठबंधन की, तो बीजेपी को 22 सीटें हमारे सर्वे के अनुसार मिल रहा है। यूपी में बीजेपी को 51 सीटों का जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटों पर यूपी में जीत मिली थी। वहीं बात करें सपा बसपा रालोद गठबंधन की, तो महागठबंधन को 49 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सपा बसपा के एक होने से अखिलेश मायावती को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 9 सीटों के साथ इस बार यूपी में कमाल करेगी। हम अपने सर्वे की अहम बात बताते चलें कि कांग्रेस जो 9 सीटें जीत रही है, उनमें मुरादाबाद, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली और धरोरा प्रमुख हैं। वहीं भाजपा की कद्दावर नेता मेनका गांधी और उनके सुपुत्र वरुण गांधी चुनाव हार सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।